में ह्यूमन सेंटीपीड का फर्स्ट सीक्वेंस यानी कि पहला पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक डच हॉरर मूवी है और ये टॉम सिक्स द्वारा डायरेक्ट की गई है। इस मूवी को 2009 में रिलीज किया गया था, लेकिन कई जगह से इसे अपने वायलेंस के कारण बैन कर दिया गया था। ये मूवी नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कैदियों पर किया जाता था, जिसमें उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। कई बार तो कैदियों को आपस में जिंदा सील दिया जाता था, जो कि काफी इनह्यूमन पनिशमेंट थी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम प्रोफेसर जोसेफ हाइटर था, वो अपने सिल्वर मर्सिडीज में बैठकर एक फोटोग्राफ देख रहा था, जिसमें कि तीन रोटविलर डॉग्स एक सीधी लाइन में एक के पीछे एक खड़े थे। तभी वहां एक ट्रक आकर रुकता है, जिसमें से ट्रक का ड्राइवर बाहर निकलकर जंगल में टॉयलेट के लिए जाता है, जिसकी तरफ प्रोफेसर जोसेफ गन का निशाना लगाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनका नाम जेनी और लिंडसी था। वैसे तो ये दोनों अमेरिकन थी, लेकिन जर्मनी में घूमने के लिए आई हुई थी। ये दोनों पार्टी करने क्लब में जाने वाले थे, जिसकी लोकेशन लिंडसी किसी से कॉल पर ले रही थी, क्योंकि वे सिर्फ टूरिस्ट थी और जर्मनी का उन्हें कोई आइडिया नहीं था। रात होते ही वो दोनों रेंट पर ली हुई कार से पार्टी वाली जगह के लिए निकल जाती है, जहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन उन्हें नहीं पता थी। और होता यह है कि बीच जंगल में वो दोनों बहुत आगे निकल जाते हैं और कहीं खो जाते हैं। जेनी गाड़ी को यू टर्न लेती है कि तभी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और दोनों प्रॉब्लम में फंस जाती है। वो कार सर्विस वालों को कॉल करते हैं, लेकिन जंगली इलाका होने के कारण उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और वे दोनों एक सुनसान हाईवे में फंस जाते हैं, जिसके आसपास सिर्फ जंगल था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कार में ही रहकर हाईवे से निकलने वाले लोगों से मदद लेंगे। और हम देखते हैं कि कुछ ही समय में वहां नजदीक से कार निकलती है, जिससे कि वो मदद मांगते हैं, लेकिन कार में बैठा हुआ भद्दा सा बूढ़ा आदमी उन्हें अकेला देखकर गंदे गंदे इशारे करता है, जिससे कि वो डर जाती है और कार को अंदर से लॉक कर लेती है। उस कार के जाने के बाद वो दोनों आसपास कोई घर ढूंढती है, जहां से वो फोन करके मदद के लिए किसी को बुला ले। रात काफी हो चुकी थी और वो जंगल में चल पड़ती है। वहां उन्हें एक घर से आती रोशनी दिखती है, जिसे देखकर वो उस घर की ओर चल देती है कि तभी अचानक वहां तेज बारिश होने लगती है और उनके उस घर पहुंचने तक वो दोनों पूरी तरीके से भीग चुकी थी। वो दोनों उस घर के दरवाजे पर नॉक करते हैं और हम देखते हैं कि अंदर से वही प्रोफेसर जोसेफ दरवाजा खोलता है। जेनी और लिंडसी अपनी प्रॉब्लम प्रोफेसर जोसेफ को बताती है और वो उससे इमरजेंसी कार सर्विस वालों को फोन करने को कहती है, जिससे कि वो वापस अपने होटल जा सके। प्रोफेसर दोनों लड़कियों को अकेला देखकर अंदर बुला लेता है। जेनी और लिंडसी प्रोफेसर के घर को गौर से देखते हैं और वो नोटिस करते हैं कि दीवारों पर अजीब अजीब तरीके की पेंटिंग्स लटकी थी, जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी। प्रोफेसर उनसे पूछता है कि क्या वे टूरिस्ट है, और वे उन्हें बताती है कि दोनों न्यूयॉर्क से हैं और यूरोप घूमने आई है। वो प्रोफेसर को कार सर्विस वालों को फोन करने को कहती है, जिसे कि वो अनसुना करके उनसे एक सवाल करता है कि क्या दोनों रिलेटिव्स हैं, पर वो ना कहकर बताती है कि वो रिलेटिव्स तो नहीं है, लेकिन दोनों फ्रेंड जरूर है। प्रोफेसर अचानक अपनी जगह से उठता है और किचन में पानी लेने जाता है, और जब वो अंदर किचन में होता है तो वहीं से एक फेक कॉल करता है, जिससे बाहर बैठे जेनी और लिंडसी को लगता है कि वो इमरजेंसी कार सर्विस वालों को कॉल कर रहा है। प्रोफेसर दोनों के पानी में रोहेपनोल नाम का एक ड्रग मिला देता है, जो कि लिंडसी पूरा पी जाती है, लेकिन जेनी से पानी का ग्लास गिर जाता है, जिस पर प्रोफेसर गुस्सा होकर दोनों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। प्रोफेसर गिरा हुआ पानी साफ करने के लिए टॉवल लाने का बोलकर नीचे बेसमेंट में बनी अपनी लेबोरेटरी में जाता है और एक इंजेक्शन लेकर आता है। इधर लिंडसी को थकान महसूस होती है, क्योंकि वो ड्रग वाला पानी पूरा पी गई थी, लेकिन जेनी ने आधा ही पानी पिया था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। जेनी प्रोफेसर से एक और कॉल करने को कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और जेनी की गर्दन में वो इंजेक्शन घुसा देता है, जिससे कि वो भी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह प्रोफेसर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, और इधर लिंडसी और जेनी दोनों को होश आता है और वो खुद को प्रोफेसर की लेबोरेटरी में बेड से बंधा हुआ पाती है, और पास में वही ट्रक ड्राइवर बंधा हुआ था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तभी प्रोफेसर वहां आता है और ट्रक ड्राइवर से कहता है कि वो मैच नहीं करता और इसी वजह से उसे मरना होगा, और प्रोफेसर एक टॉक्सिक इंजेक्शन उसकी नसों में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि वो ट्रक ड्राइवर देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर जाता है, और प्रोफेसर उस ट्रक ड्राइवर को अपने बैकयार्ड में दफन कर देता है। हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक जापानीज आदमी को अपनी बेहोशी की दवा वाली डार्ट गन से बेहोश करके लाता है, और वो भी उसे जेनी और लिंडसी के बगल वाले बेड पर बांध देता है। जब सभी को होश आता है तो वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं
उन्हें यह भी नहीं पता था कि आखिरकार प्रोफेसर उनके साथ क्या करने वाला है, लेकिन जल्दी प्रोफेसर उनका एक कन्फ्यूजन खुद ही दूर कर देता है। वो अपने आप को डॉक्टर जोसेफ हाइटर नाम से इंट्रोड्यूस करता है और वो उन्हें बताता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है जो कि साइमस ट्विंस यानी कि जन्म से जुड़े हुए बच्चों को अलग करने के लिए जाना जाता था। उसने 6 महीने पहले अपने 3 रॉटविलर डॉग्स को एक साथ ऑपरेशन के जरिए जोड़ दिया था और वो सेम ऑपरेशन जेनी लिंडसी और उस जापानीज आदमी पर करने वाला था क्योंकि उनके स्किन टिश्यूज आपस में मैच होते हैं। वो उन्हें ऑपरेशन के बारे में बताता हुआ कहता है कि सबसे पहले वो उन तीनों के घुटनों के लिगामेंट्स को हटा देगा ताकि वो खड़े न हो पाए और सिर्फ घुटनों के बल ही चल सके। वो एक डायग्राम की मदद से बताता है कि वो सब्जेक्ट सी के होंठ और जबड़े को निकाल देगा जिसमें कि उनके दांत भी शामिल थे। वो सब्जेक्ट बी के होंठ को ए के एनस से जोड़ देगा और सी के होंठ को बी के एनस से। वो उनके हिप की स्किन उधेड़कर उनके चेहरे की चमड़ी निकालकर हिप की स्किन को उनके चेहरे से जोड़ेगा जिससे कि वो उन तीनों सब्जेक्ट को जोड़कर एक साइमस ट्रिपलेट बनाएगा जो कि डायग्राम में बने फिगर के अनुसार होगा। सब्जेक्ट ए जब अपना खाना खाएगा तो खाना उसके पेट से होकर जो वेस्ट मटेरियल के रूप से निकलेगा और उसके एनस से सीधा सब्जेक्ट बी के मुंह में और उससे होकर सब्जेक्ट सी के एनस से पूरा वेस्ट बाहर आएगा जो कि काफी घिनौना था। और इस प्रकार तैयार होगा डॉक्टर जोसेफ का ह्यूमन सेंटीपीड का फर्स्ट सीक्वेंस। डॉक्टर जोसेफ जापानीज आदमी को एनेस्थेसिया दे देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और डॉक्टर जेनी की तरफ आता है जो कि जोर जोर से चिल्ला रही थी। डॉक्टर जेनी को एनेस्थेसिया दे रहा होता है इतने में लिंडसी अपने आप को दांतों की मदद से खोल लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके हाथ में नीडल लगी होने के कारण उसकी चमड़ी खींचती जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। लिंडसी भागकर एक कमरे में जाती है और डोर को अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन डॉक्टर वहां के ग्लास को तोड़कर आ जाता है और लिंडसी को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन वो सीधा पूल में जाके गिरती है और डॉक्टर वहां भी अपनी डार्ट गन लेकर आ जाता है और पूल को कवर अप कर देता है, लेकिन तभी वहां की लाइट चली जाती है जिसका फायदा उठाकर लिंडसी वहां से भाग जाती है। वो सीधा डॉक्टर जोसेफ की लेबोरेटरी में जाती है और जेनी को खोलती है जो कि एनेस्थेसिया की वजह से बेहोश पड़ी थी और वो उसे घसीटते हुए बाहर ले आती है, लेकिन पीछे से डॉक्टर जोसेफ उसे डांट मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को वापस अपनी लैब में ले आता है जहां वो उनका ऑपरेशन करने वाला था। ऑपरेशन की शुरुआत में वो उनके घुटनों के लिगामेंट्स निकालता है और उनके दांत भी। फिर वो सभी की बॉडीज पर मार्कर से मार्क करता है और वो उनके चेहरे और उनके हिप्स की चमड़ी को निकाल देता है। डॉक्टर जोसेफ का ऑपरेशन कई घंटों तक चलता है और सीन यही कट हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ ड्रिंक कर रहा था और सामने उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड जमीन पर पड़ा हुआ था। उन तीनों के घाव अभी तक ठीक से भरे भी नहीं थे और वो उन्हें जबरदस्ती खड़ा करता है। हम देखते हैं कि जापानीज आदमी सबसे आगे था यानी कि वो लीड था, लिंडसी बीच में थी और जेनी सबसे आखिरी में थी यानी कि वो सेंटीपीड की टेल थी। डॉक्टर जोसेफ उन्हें घुटनों के बल खड़ा करके उनकी फोटो ले रहा था जिससे कि उन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा था। वो सभी को आईने में अपनी परछाई दिखाता है और अपनी इस हालत को देखकर तीनों सिर्फ रोए जा रहे थे। डॉक्टर जोसेफ उन्हें पिंजरे में बंद रखता था और पालतू जानवर जैसा बर्ताव करता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वो उस जापानीज आदमी को खाना भी कुत्ते की तरह ही देता था। जब उस जापानीज आदमी ने इस चीज का विरोध किया तो डॉक्टर जोसेफ उसका जबड़ा तोड़ देता है और सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है कि तभी जापानीज आदमी को टॉयलेट जाना पड़ता है और उसका सारा वेस्ट यानी कि मल सीधा लिंडसी के मुंह में जाता है और लिंडसी को ना चाहकर भी जापानीज आदमी का वेस्ट निकलना पड़ता है जो कि काफी घिनौना था। एक दिन जब डॉक्टर तीनों की बॉडी का मेडिकल चेकअप करता है तो उसे पता चलता है कि जापानीज आदमी तो ठीक है लेकिन लिंडसी को कॉन्स्टिपेशन है। जापानीज आदमी का वेस्ट वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और जेनी तक कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं पहुंच रहा था। वो काफी दिनों से भूखी थी और उसकी बॉडी कमजोर हो रही थी जिसके कारण उसके स्कार्स भी नहीं भर पा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो मरने वाली है। डॉक्टर जोसेफ उसे रिप्लेस करने का सोच रहा था कि तभी ऊपर दरवाजे की बेल बजती है। वो दरवाजे पर डिटेक्टिव क्रांस और पुलिस ऑफिसर वॉलर थे। वो लिंडसी और जेनी को ढूंढने आए थे जो कि कुछ दिनों से गायब थी और उनकी कार डॉक्टर के घर से कुछ ही दूरी पर मिली थी। डॉक्टर जोसेफ कहता है कि वो अपनी रिसर्च में इतना बिजी रहता है कि बाहर कम ही निकलता है और उसे उन दोनों लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो पुलिस ऑफिसर को कुछ पीने के लिए पूछता है जिस पर पुलिस ऑफिसर उसे कॉफी मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उन्हें यहाँ पर सिर्फ पानी मिलेगा जिससे कि पुलिस ऑफिसर को उस पर और शक होने लगता है। डॉक्टर जोसेफ किचन से पानी लाता है जिसमें कि वो ड्रग मिलाकर लाया था और पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहते हैं कि लोगों ने उसके घर से किसी अमेरिकन लड़की की चीखें सुनी है
और कई लोगों ने डॉक्टर जोसेफ की मर्सिडीज उस ट्रक के पास देखी थी, जिस ट्रक का ड्राइवर भी कई दिनों से गायब था। डॉक्टर जोसेफ पुलिस वालों पर जोर से चिल्लाता है और उन्हें पानी पीने को कहता है, जिस पर डिटेक्टिव क्रांस पानी का ग्लास फेंक देता है। डॉक्टर जोसेफ फिर से टॉवेल का बहाना बनाकर अपनी लैब से बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन लाता है, लेकिन वो पुलिस वालों के सामने एक्सपोज हो जाता है, जिसे कवर करने के लिए डॉक्टर जोसेफ पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो बिना वारंट एक आम आदमी को परेशान नहीं कर सकते, और वो ऑफिसर तुरंत डॉक्टर के खिलाफ वारंट लेने चले जाते हैं। जब डॉक्टर जोसेफ नीचे अपनी लेबोरेटरी में जाता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता, क्योंकि वो तीनों छिप गए थे। और डॉक्टर जोसेफ के अंदर आते ही वो उसके पैर में सर्जिकल नाइफ घुसा देते हैं, जिससे डॉक्टर जमीन पर गिर जाता है। और जापानीज आदमी डॉक्टर के गले पर जोर से काटता है, जिससे कि उस जगह का मांस बाहर आ जाता है। और तीनों वहां से भागकर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोरी के कारण वो सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे। और सर्जरी वाली जगह से उनका खून बहकर सीढ़ियों पर गिरने लगता है। वो जैसे तैसे ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर जोसेफ उनके पीछे आ जाता है और सीढ़ियों पर पड़ा खून चाटने लगता है। जापानीज आदमी वहां से भागने के लिए डोर का ग्लास तोड़ देता है कि तभी घायल डॉक्टर वहां भी आ जाता है। वो जापानीज मैन कांच के टुकड़े से अपना गला काट लेता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। डिटेक्टिव क्रांस और ऑफिसर वालर वहां आ जाते हैं और उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। डिटेक्टिव नीचे लेबोरेटरी में जाता है और वहां भी उसे कोई नहीं मिलता। इधर पुलिस ऑफिसर को नशा होने लगता है, क्योंकि उसने थोड़ा सा पानी पी लिया था। डिटेक्टिव क्रांस के ढूंढने पर उसे जापानीज आदमी और बाकी के दो लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। और जब डिटेक्टिव क्रांस डॉक्टर जोसेफ को पकड़ने जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर जोसेफ पूल के पास बैठा है और ऑफिसर मारा जा चुका है। डॉक्टर जोसेफ ऑफिसर की बंदूक से क्रांस पर गोलियां चला देता है, जिसके डिफेंस में वो डॉक्टर जोसेफ के सिर में गोली मार देता है और इस प्रकार दोनों मारे जाते हैं। और अंदर रह जाता है तो बस डॉक्टर जोसेफ का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक सनकी डॉक्टर के एक घटिया एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, जो कि भगवान के नियमों के खिलाफ एक अलग ही क्रिएचर बनाना चाहता था और अपनी सनक के चलते तीन मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। मूवी के एंड में पुलिस ऑफिसर के साथ डॉक्टर जोसेफ भी मारा जाता है और जापानीज आदमी ने भी आत्महत्या कर ली थी। इधर सेंटीपीड का लीड यानी कि जापानीज आदमी मर चुका था और टेल यानी कि जेनी की हालत भी खराब थी। बची थी तो सिर्फ लिंडसी, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर मौत भी आरामदायक लगे। तो दोस्तों, ये था ह्यूमन सेंटीपीड पार्ट वन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं कि बाकी के पार्ट्स पर भी वीडियो बनना चाहिए या नहीं, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियोज आने वाली है।